अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ फिर से हाजिर हुई हूँ। आज मैं आपको संथल वाइटिंग ब्यूटी क्रीम के बारे में बताने जा रही हूँ। ये किस पर्पज़ के लिए यूज़ की जाती है, इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, बेनिफिट्स क्या हैं, और इनमें मैं आपको प्राइस के बारे में बताऊंगी। और इसके अलावा मैं साइड इफेक्ट के बारे में डिस्कस करूंगी कि इसके इस्तेमाल से आपकी जिल्द के ऊपर कौन से नुकसान हो सकते हैं। लेकिन इससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन के ऊपर क्लिक कीजिए। हमारा फेसबुक पेज है, प्लीज़ इसको लाइक जरूर कीजिए। मैंने रिसेंटली beautyhealthremedies.com के नाम से एक वेबसाइट शुरू की है। जिन लोगों को रीड करने का शौक है, प्लीज़ इस वेबसाइट को विजिट जरूर कीजिए। बॉक्स आया कि वह आते हैं अपनी वीडियो की तरफ। संथल वाइटनिंग ब्यूटी क्रीम एक स्किन वाइटनिंग क्रीम है, रंगत को गोरा करती है, कील जाइयां दाग धब्बे खत्म करती है और इसके अलावा स्किन को फेयर बनाती है। ये संथल वाइटनिंग ब्यूटी क्रीम का क्लेम है। संथल की इजाफी हुक्म के साथ बनाई जाने वाली यह क्रीम जिल्द को मौसमी असरात और मेकअप के साथ से महफूज रखती है। इसके अलावा आंखों के गिर स्याह हल्के हैं उनको भी खत्म करती है और ढलती उम्र के असरात को खत्म करती है। संथल वुड से बनाई हुई यह क्रीम 15 डेज में आपको रिजल्ट देगी। बेस्ट रिजल्ट के लिए आप इसको नाइट में इस्तेमाल कीजिए। नो डाउट इस क्रीम के इस्तेमाल से बहुत जल्दी रंगत गोरी होती है, कम्प्लेक्शन बहुत जल्दी फेयर होता है। और अगर इस क्रीम के इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात की जाए तो नाम से ही जाहिर होता है कि ये क्रीम संथल से बनाई गई है। संथल सूदिंग इफेक्ट रखता है, टास्क फोर्स को रिमूव करता है, खासतौर पर इसकी स्मेल बहुत ही अच्छी होती है। और अगर इस क्रीम के प्राइस के बारे में बात की जाए तो 30 ग्राम आपको 230 रुपीस की ये क्रीम अवेलेबल होगी। प्राइस वेरी कर सकते हैं टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस। क्रीम के साइड इफेक्ट के बारे में बात करते हैं। चूंकि हर इंसान की जिल्द मुख्तलिफ होती है और किसी भी क्रीम के इस्तेमाल से उसके ऊपर साइड इफेक्ट भी डिफरेंट ही होते हैं। जैसे कि इस क्रीम के इस्तेमाल से बाद लड़कियों के चेहरे पर बाल आते हैं या उनकी ग्रोथ तेज हो जाती है। बाज़ लोगों की स्किन सेंसिटिव होती है, इस क्रीम के यूज से ओवर सेंसिटिव हो जाती है, वो सन एक्सपोजर को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं और इनकी स्किन के ऊपर डार्क स्पॉट्स फ्रैकल्स निमदार होना शुरू हो जाती हैं। और अगर आपके स्किन के ऊपर पहले से फ्रैकल्स हैं तो इस क्रीम को छोड़ने के बाद वो मजीद डार्क पैचेज में चेंज हो जाएंगी। ऑयली स्किन वालों के लिए ये क्रीम बेस्ट नहीं है क्योंकि इसके इस्तेमाल से पिम्पल्स और फ्रैकल्स तो आते ही आते हैं। इसके अलावा ये आपके कम्प्लेक्शन को मज़ीद डार्क कर देगी अगर आप इसको छोड़ देंगे तो, यानी आप इस क्रीम के यूज़ टू हो जाते हैं इसको इस्तेमाल करने से। तो ये थे इसके पॉसिबल साइड इफेक्ट। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। स्टे ट्यून्ड एंड कीप वाचिंग आवर वीडियोज़।